hello my dear viewers my subscriber and my dear people today i'm gonna teach height and distance topic of class 10th from NCIT book today i will cover approx 2 or 3 questions in this topic and i have already covered the first question in my previous video and <coughs> and here i will also discuss some important facts and uh, some easy tricks to solve this question very quickly and before I go further let's start this video and this question is आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है और इसके साथ तीस इस डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है आठ मीटर है पेड़ की चाहिए ज्ञात कीजिए हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकम्बेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने इसकी फिगर को बना लिया डायग्राम को बना लिया तो आपने एट्टी परसेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया चलिए इसके डायग्राम को बनाते हैं और उससे पहले कुछ उनके फैक्ट को बताते हैं ठीक है देखिए इसमें एक तो छोटी सी बात है लोग सभी को पता ही होगा ठीक ए बी सी ये एंगल ठीक ए बी सी जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर ऊपर देखता है तो वह उन्नयन कौन बनता है उन्नयन कौन सा बनता कौन बनता है उन्नयन कौन बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो कौन सा कौन बनता है औ नमन ओ नमन कौन बनता है ठीक है इसे हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं इसे दृष्टि रेखा बोलते हैं यह बेस होता है यह परपेंडिकुलर होता है यह बेस होता है यह परपेंडिकुलर होता है जहाँ व्यक्ति खड़ा होता है और जहाँ सामने देखते हैं जहाँ से खड़ा होकर देखते हैं वो परपेंडिकुलर होता है जहाँ खड़ा होता है जिस आधार पर खड़ा होता है वो बेस होता है अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए यह परपेंडिकुलर और यह बेस हो जाएगा ठीक है और कुछ बात आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए साइन तीस डिग्री वन बाई टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाई रूट टू एंड साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाई टू टेन तीस डिग्री टेन फोर्टी फाइव डिग्री एंड टेन सिक्सटी डिग्री वन बाई रूट थ्री वन एंड रूट थ्री एक चीज और साइन थीटा परपेंडिकुलर एंड हाइट में रिलेशन देते हैं हाइपोटेन्यूज़, कॉस थीटा बेस में हाइपोटेन्यूज़ में टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस में थीटा बेस में और परपेंडिकुलर में ठीक है अब आपका क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन करके आंधी के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मर जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ तीस डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है आठ मीटर है पेड़ की ऊंचाई कीजिए ठीक है पहले एक पेड़ बना देते हैं देखिएगा ठीक है और ये यहाँ से टूट जाता है ठीक है और ज़मीन को छूने लगता है और तीस डिग्री का कोण बनाता है मान लो ये ए ये ए डैस ये बी और ये सी तो ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर ही होगी ठीक है कहने का मतलब ए ए डैस इज इक्वल टू ए डैस सी पे क्यों चाहिए ए ए डैस और ए डैस बी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी ए डैस प्लस ए डैस बी ठीक है अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक आठ मीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले मुझे ये हेट निकालनी है ठीक है और फिर इसी इसी इस, इसे निकालना है तो पहले टेंट हिटर ले लेता हूँ टें टीस डिग्री जो p बाई बी में रिलेशन देते हैं ठीक है ठीके? तेन टेस्ट डिग्री का वैल्यू कितना होता है वन बाई रूट थ्री पी तो मुझे पता नहीं है बेस कितना दिया हुआ एट दिया हुआ है यानी कि रूट थ्री पी इज इक्वल टू एट पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एट बाई रूट थ्री बेस में रूट नहीं रहता है तो हटा देते हैं एट रूट थ्री बाई ये मेरा ए बी निकल गया पी क्या है पी इज इक्वल टू ए डैस बी ठीक है तो ये क्या निकल गया ए डैस बी का वैल्यू ए डैश बी का वैल्यू अब साइन ठीठा लेकर चलते हैं साइन तीस डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच होता है पी तो मुझे पता होगा साइन ठीटा के मान कहना है वन बाई टू होता है पी अभी मैंने निकाला एट रूट थ्री बाई थ्री और बाई एच बाई एच तो एच यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अब क्या हो जाएगा थ्री एच इज इक्वल टू एट रूट थ्री इंटू टू एच इज इक्वल टू सिक्सटीन रूट थ्री बाई थ्री ठीक है और एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एच इज इक्वल टू ये एच है ए डैश सी को ए डैश सी को अब पेंट की ऊंचाई क्या हो जाएगी तो की क्यूचाई मैंने वो बताया था ए ए डैश प्लस ए डैश बी ठीक है ए ए डैश प्लस ए डैश बी वो क्या है एट रूट थ्री बाई थ्री प्लस सिक्सटीन रूट थ्री बाई थ्री ये हो जाएगा थ्री एट रूट थ्री प्लस सिक्सटीन रूट थ्री ट्वेंटी फोर रूट थ्री बाई थ्री ठीक है यहाँ से, जाएगा? यहां से, जाएगा? यहां से जाएगा? Root हो जाएगा एट रूट थ्री यही आपकी पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई हो गई एट रूट थ्री ओके अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक्स की तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है सबसे पहले का वैल्यू लेते हैं टेन तो तीस डिग्री वन बाय रूट थ्री तो पी इज इक्वल टू वन वन यूनिट बराबर पी है और रूट थ्री बराबर एट रूट थ्री का मान एट है यानी कि रूट थ्री इजकल टू एट तो वन बराबर एट बाई रूट थ्री रूट थ्री इजल टू एट अगर हम रूट थ्री बराबर लेट लेते हैं तो वन बराबर कितना हो जाएगा एट बाई रूट थ्री और फिर बटा में रूट नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे रूट थ्री बाई रूट थ्री जिससे आप देख पा रहे हो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एट रूट थ्री बाई थ्री या एट रूट थ्री बाई थ्री हो गया अब साइंस तीस का हम लगाएंगे साइंस तीस पी बाई एच में रेशन देता है यानी कि पी वन वन बाई टू वन यूनिट का वैल्यू वन यूनिट का वैल्यू पी वन एट रूट थ्री बाई थ्री वन यूनिट का वैल्यू क्यों साइंस तीस डिग्री का वैल्यू कितना होता है वन बाई टू और किस में रेशन देता है पी और एच में पी स्को टू वन वन पी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है और वन का वैल्यू कितना है या पी का वैल्यू कितना है एट रूट थ्री तो टू टू यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्सटीन रूट थ्री सिक्सटीन रूट थ्री बाई थ्री अब दोनों को जोड़ देंगे इसको और इसको तो फिर से कितना हो जाएगा एट रूट थ्री और सिक्सटीन रूट थ्री फिर कटके वही आंसर आ जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ से बात तो कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे ट्रिक है ये कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगी और आप इसे सोच पाओगे ठीक है इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई टीचिंग स्टाइल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर ओके प्लीज़ सपोर्ट मी टू ग्रो माई चैनल ओके थैंक यू सो मच